हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, आधी रात को करे ये काम, साल भर लक्ष्मी कुबेर रहेंगे मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा यानी कि कोजागिरी पूर्णिमा को कहा जाता है, इस रास पूर्णिमा भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने महारास रचाकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था। आश्विन पूर्णिमा की मध्य रात्रि में महालक्ष्मी और ऐरावत पर सवार इंद्र की पूजा की जाती है। इस दिन महालक्ष्मी मध्य रात्रि में हाथ में वर लेकर पृथ्वी पर विचर कर भक्तों को धन प्रदान करती है। तो दोस्तों, कोजागर का अर्थ है कौन जाग रहा है। इस रात में जागरण कर लक्ष्मी इंद्र और चंद्र और कुबेर का पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अपनी विशेष किरणों से अमृत वर्षा करता है। तो दोस्तों, इस रात चांदी के पात्र में गोदूध, घृत व अरवा, चावल से बनी खीर चांदनी में प्रखर 3 प्रखर रखने से वो औषधि बनकर 32 प्रकार के रोगों को ठीक कर दी है। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के गुण के आधार पर कुछ कलाएं होती है। अगर किसी में 16 कलाएं होती है तो वह संपूर्ण ब्रह्म बन जाता है। भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी इंद्र, चंद्र, कुबेर और राधा कृष्ण का पूजन चंद्रोदय के बाद मध्य रात्रि में करने से साल भर लक्ष्मी कुबेर की कृपा बने रहने से स्थिर धन प्राप्ति होती है, दरिद्रता भाग जाती है, प्रेम में सफलता मिलती है और मनोबल में वृद्धि, स्मरण शक्ति में बढ़ोतरी और अस्थमा से छुटकारा और गर्भ बाधा का निवारण होता है, यानी कि अखंड लक्ष्मी आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों, शाम में चंद्रोदय के बाद गाय के दूध, घृत व अरवा चावल से बनी खीर तैयार कर ले। रात के दूसरे पहर में खीर को चांदी के पात्र में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जी हाँ दोस्तों, मध्य रात्रि मुहूर्त में मिट्टी के कलश पर लाल चुनरी से ढकी स्वर्ण फ्रेम में महालक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। साथ ही राधा कृष्ण, इंद्र का चित्र और कुबेर और चंद्र यंत्र स्थापित करके बड़े मिट्टी के दिए में गाय के घी का 16 मुखी दीपक जलाए। तो दोस्तों, षोडश उपचारों से उनकी पूजा करें। गोघृत में इत्र मिलाकर दीपक करें, चंदन की धूप जलाए, अबीर चढ़ाए, चांदनी के फूल चढ़ाए, मावे की बर्फी का भोग लगाए, दोस्तों सफेद वस्त्र चढ़ाए, मिश्री और मलाई चढ़ाए और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, ये जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, यदि आप ये करते हैं तो दोस्तों आपके पूरे जीवन काल में आपको अखंड लक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त होता है, यानी कि आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि आपके नौकरी व्यापार में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आप सब कुछ मिल सकता है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, मध्य रात्रि के इस दिन मध्य रात्रि में आप सिर्फ 108 बार ये मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, ये मंत्र जाप बिल्कुल सीधा और सादा है, ये करने से आपके तमाम परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको दुकान लेने की है, मकान लेने का है, यदि आपको गाड़ी खरीदनी है, यदि आपके रुपए पैसों की तंगी चल रही है, तो दोस्तों इन दिनों में आप सभी परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये मंत्र एकदम सिंपल है। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र आपको रात को चंद्रमा के सामने रात को 12 बजे से पहले बोलना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस दिन रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती है, यानी कि धन प्रदान करती है। मतलब जो भी इस दिन रात को जागता है उसे महालक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस रात में आप ये मंत्र पढ़ते हैं तो महालक्ष्मी की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 12 बजे से पहले ये मंत्र जाप करते हैं तो आपके ऊपर सदैव महालक्ष्मी कृपा रहेंगी। तो दोस्तों, ये मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, ये मंत्र आपको 108 बार चंद्रमा के सामने खीर रख देनी है और फिर आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये 108 बार मंत्र जाप करना है। तो दोस्तों, ये अवश्य ध्यान रखें, ये
आप ये करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा, मतलब आपके तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, चंद्रमा के सामने ये आप 108 बार मंत्र जाप करते हैं तो आपके सभी परेशानी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि ये इस रात ये मंत्र अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।